बाकी सबका टोल खुला होगा, लेकिन जो आसपास के गांव के लोग हैं और जो किसान है वो अब हरियाणा में टोल नहीं देगा। ये काम हमें करना पड़ेगा, ये गुंडा टैक्स हमें बंद करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो ठीक तरीके से मानेगा वो ठीक तरीके से मानेगा, और जो थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करवाओगा, तो अब तो हम केवल किसानों की बात कर रहे हैं, जब किसानों का धरना लगेगा, किसान बैठेंगे, तो सारा टोल ही फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि किसानों ने केवल दिल्ली छोड़ी है। आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे प्रधान भीम सिंह जी, संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश कौर जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, भाई बड़े भाई ईश्वर छात्र जी, भाई संदीप छात्र जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद। हमारे जो मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने तमाम साथी खड़े हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने से जोरदार योगदान दिया, इनके लिए भी जोरदार तालियां, इनका भी जोरदार अभिनंदन। भाई आजाद पालवा जी यहां मौजूद है, आदरणीय संधू साहब है, हमारे कैप्टन साहब है, कुलवीर जी है, सबका बहुत धन्यवाद है। और मैं नमन करूंगा सबसे पहले आदरणीय ओम प्रकाश जी, जो इस आंदोलन के अंदर अपनी शहादत दे करके गए हैं। उनकी शहादत हमें हमेशा लड़ने की प्रेरणा देगी, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनकी शहादत को हम भुला नहीं सकते, उनको उनकी शहादत को मिटा नहीं सकते। साथियों, मैं तमाम लगभग 380 दिन आंदोलन चला, और 380 दिन के आंदोलन में ये बहुत क्रांतिकारी गांव है, और बीबीपुर गांव का नाम केवल भारत में नहीं जानते, पूरी दुनिया में जानते हैं। आपका आंदोलन के अंदर बहुत जबरदस्त योगदान रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद, सबका आभार। तमाम अभी साथियों से बात हो रही थी, भाई अजीत हैं जो गांव से लकड़ी लेकर के बॉर्डर पे जाया करते थे, अनेकों अनेक साथी बॉर्डरों पे डटे रहे, और संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन शुरू से एक बात कहता था कि बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। तीन कानून वापस हुए और तमाम मांगे मानी गई, उनके ऊपर लिखित में समझौता हुआ, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जीत है वो जीत ये है कि जो लोग ये कहा करते थे कि मोदी पीछे नहीं हटता, मोदी झुकता नहीं है, मोदी किसी की मानता नहीं है, इस आंदोलन ने मोदी के गोटे टिकवा करके एक तनासा को झुकाने का काम किया है साथियों। और हमने केवल दिल्ली नहीं जीती, आप सबने देश और दुनिया के दिल जीतने का काम किया है कि आंदोलन अगर चलाने हो तो कितने धैर्य, अनुशासन और शांति के साथ चलाए जा सकते हैं, वो भारत के किसान आंदोलन से सीखना चाहिए। साथियों, आज ये बहुत शानदार समारोह किया गया है। डॉक्टर दलवीर जो आपके गांव के हैं, डॉक्टर दलवीर जी बहुत लंबे समय तक जेल में रहे, मुझे भी करीब करीब 3 बार जेल जाना पड़ा इस आंदोलन के दौरान, और तमाम साथियों को आज यहां सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा। जितने हमारे आयोजक हैं, जितने इस कार्यक्रम को करने वाले हैं, उन सब का बहुत धन्यवाद, आभार है। और मैं एक दो बात अंत में कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि इस आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया है, और जो सबसे बड़ी ताकत दी है वो भाईचारा बनाया है, और ये सिखाया है कि सरकार जो भी गलत नीति और कानून लेकर के आएगी हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, जो सरकार गलत कानून लेके आएगी ठोकर मार के उसको तोड़ देंगे। सरकारों को ये बात हम बताना चाहते हैं।
अभी हरियाणा में, हरियाणा का आंदोलन में बहुत जोरदार योगदान रहा। मेरा आप सबको निवेदन है कि ये जो भाईचारा, ये एकता, ये जो 36 जात का हमारा जो संगठन बना है, इसको टूटने मत देना। दोनों हाथ उठा करके संकल्प लो कि इस एकता और इस भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे। इनका नाम लिस्ट में चढ़ान बदली भी कही है आश्वासन दिया। अभी डॉक्टर दलबीर जी कह रहे लिस्ट के नाम की, तो वो अभी जो शहीद है ओम प्रकाश जी, कोच साहब से भी चर्चा हो रही थी और उसमें क्या नियम रहेगा वो सारा जो है डॉक्टर साहब बिल्कुल करेंगे, आपसे कागज ले लेंगे, कोच साहब को दे दियो आप इनके जो डॉक्यूमेंट है। साथियों अभी दो तीन दिक्कतें चल रही और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहने बैठी हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हमने एक बात कही थी कि जिस आंदोलन में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है वो आंदोलन जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी माताओं बहनों का। और आज क्योंकि यहां पर हमें भी सम्मान दिया, पगड़ी पहना करके सम्मानित किया, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भरोसा आप जताते हो और जो आशीर्वाद देते हो, जो सम्मान दिया है, इस पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देंगे। इसका सम्मान कम से कम दुगुना करके आपको लौटाने का काम करेंगे। अभी 12 महीने तक लगातार टोल फ्री चले, सबके लिए टोल फ्री थे, सारी गाड़ियां बगैर टोल के जाया करती थी, धरने लगे हुए थे, लंगर चल रहे थे, किसानों ने सबका भला करने का काम किया। लेकिन अब भी ये मुद्दा है कि ये जो टोल है ये गुंडा टैक्स है, ये जो टोल प्लाजा है ये रजिस्टर्ड लूट की दुकानें हैं, बाकी सबका टोल खुला होगा लेकिन जो आसपास के गांव के लोग हैं और जो किसान है वो अब हरियाणा में टोल नहीं देगा। ये काम हमें करना पड़ेगा, ये गुंडा टैक्स हमें बंद करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो ठीक तरीके से मानेगा वो ठीक तरीके से मानेगा और जो थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करवाओगा, तो अब तो हम केवल किसानों की बात कर रहे हैं, जब किसानों का धरना लगेगा, किसान बैठेंगे तो सारा टोल ही फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि किसानों ने केवल दिल्ली छोड़ी है या टोलों से धरने उठाए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब फिर पहुंच जाएंगे। अभी यूरिया को लेके बहुत दिक्कत चल रही है, यहां भी दिक्कत चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी बार बार बहुत सारे साथी जिक्र कर रहे थे, यहाँ कोच साहब भी बैठे हैं, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, हमारा काम है आंदोलन करना, हम आंदोलन करते रहेंगे, किसान का भला ना तो राजनीतिक पार्टियों में जाने से होगा ना राजनीतिक पार्टी बनाने से होगा, किसान का भला आंदोलन करने से होगा, लड़ाई लड़ने से होगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई समाधान और रास्ता नहीं है। तो मेरी सबको यही प्रार्थना है, पूरे हरियाणा में यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है, पूरे हरियाणा में 5 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, किसानों की लूट हो रही है, उनको जोर जबरदस्ती और दवाइयां थोपी जा रही है यूरिया के साथ में। मेरा अंत में आप सबको यही निवेदन और प्रार्थना, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा आपने बनाया है, हमेशा इसकी ताकत बन के चलना, हमेशा धैर्य, अनुशासन और शांति के साथ रहना। किसान ना पहले कभी हारा था, ना आज हारा है और ना कभी भविष्य में हारेगा। हम केवल जीतते हैं, केवल जीतते हैं, यही हमारा संकल्प है। आप सबने इतना सुना, इतना सम्मान दिया पुणे में, सभी आयोजकों का, हमारे सभी साथियों का, प्रधानों का, और विशेष रूप से जो युवा साथी हैं उनका बहुत धन्यवाद है। उन्होंने भगत सिंह जैसा योगदान इस आंदोलन के अंदर दिया, ऐसे ही ये केवल शुरुआत है, अभी आंदोलन चलते रहेंगे, हरियाणा में, देश में, पूरी दुनिया में चलेंगे और पूरी दुनिया में आंदोलन शुरू होंगे और भारत आंदोलनों की राजधानी बनने वाला है। आंदोलन चलेंगे तभी देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा,
इस पूरे आंदोलन के दौरान हमारे से कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, उसके लिए सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। भविष्य में और सुधार करेंगे और सब मिलकर के अपने इस किसान मजदूर बिरादरी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय जवान जय किसान। एक नारा मेरे साथ बोल देंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही, पूरी ताकत लगा के आवाज जानी चाहिए कई कई किलोमीटर तक। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।